अयोध्या में गए थे, उन्हें मस्जिद तोड़ने के लिए गए, राम मंदिर बनाने के लिए। वहाँ राम जन्मभूमि है और राम का मंदिर बनना चाहिए। वो ऊपर चढ़ गए थे और पत्थर तोड़ा, उनके पत्थर सीने पे गिरा, वहीं और जो स्पॉट पे खत्म हो गए। जो आपके गांव के पुत्तू बाबा हैं जो अयोध्या में खत्म हो गए, तो किस तरीके से हुए, कैसे गए थे, क्या हुआ, कितने लोग गए? वो सिंचाई विभाग में सर्विस थी उनकी, तो यहाँ से वो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए थे। मस्जिद तोड़े भगवान राम की प्रतास्था थी उनकी, उन्होंने मस्जिद को तोड़ा और उसमें वो शहीद हो गए। किस तरीके से तोड़ा था, कितने लोग गए थे, क्या स्थिति थी? और भी कार सेवक थे उनके साथ। गाँव में कोई सूचना नहीं आई, अंतिम संस्कार उनका वही हुआ। उसके बाद सूचना आई, सहायता आयता कुछ नहीं मिली। उनके नाम से रोड बने, कोई अभी तक कोई सहायता नहीं मिली, कोई कोशिश भी नहीं की आप लोग? कोशिश तो की थी, पर बोले वो सरकार के, उन्होंने नियम के गलत किया, ऐसा बोलते रहे अधिकारी। और कोई बुलावा वगैरह भी? अभी कोई नहीं आया अयोध्या से, कोई बुलावा नहीं आया। श्री श्री 108 बाबा हमारे पुरुषोत्तम दास उर्फ पुत्तू नाम उनका निकनेम था, वो यहाँ निवास करते थे। हमारा छोटा परिवार था और सक्षम परिवार था, पढ़े लिखे हमारी फैमिली थी, और वो सर्विस सिंचाई विभाग में उनकी सर्विस थी। उनके अचानक आस्था आई, वो यहाँ से सिंचाई करते करते उन्हें भजन और राम भक्ति में उन्हें अनुभूति प्राप्त हुई, तो सिद्ध बाबा पर उन्हें भजन किया। फिर उनके साथ ही उनके आरएसएस के जो लोग थे, उनकी जो टीम थी और जो बजरंग दल वाली उनकी टीम थी, वो अपने सहयोगियों के साथ उनके सभी टीम मिलकर वो वहाँ अयोध्या पहुँचे और बाबरी मस्जिद को तोड़ने का उन्होंने बीड़ा उठाया था कि हम अपने भगवान सनातन धर्म के लिए, भगवान श्री राम के लिए, प्रभु के लिए ये सब करेंगे। उनको अयोध्या में गए थे, उन्हें मस्जिद तोड़ने के लिए गए थे, राम मंदिर बनाने के लिए। वहाँ राम जन्मभूमि है, वहाँ राम का मंदिर बनना चाहिए, और मस्जिद को तोड़ा उन्होंने। किस तरह से मस्जिद को तोड़ा? वो ऊपर चढ़ गए थे और सभी वहाँ 4-5 लोग और थे उनके साथ में गए थे, तो उन्होंने तोड़ा उसको, और पत्थर तोड़ा, उनके पत्थर सीने पे गिरा, वहीं और जो स्पॉट पे खत्म हो गए। अयोध्या तो राम काज किला में वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था, बकार समय पर भाई समय पर भाई पत्थर ऊपर गिरो आए थे, पत्थर में दबे खत्म हो गए।